तो चलिए आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं बटर चिकन। इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है। आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हैं, ये बोन्स वाला गोश्त है। 1 चम्मच कलर वाला मिर्च पाउडर हमें इसे मैरिनेट करके रखना है। आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 2 चम्मच दही, 2 चम्मच दही। अब इसे हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। तो इसे मैंने मिक्स करके रख दिया है। इसमें मैंने 1/4 कितना हल्दी पाउडर रह गया था, इसे भी अच्छे से मिक्स करके और इसे 10 से 15 मिनट तक या आधे या 1 घंटे के लिए भी आप रख सकते हो, इसे मैरिनेट के लिए रख दीजिए। तो यहाँ पर हम मसालों में एक बड़ी साइज़ की प्याज लेंगे, 2 चम्मच काजू लेंगे, 1 मुट्ठी हरा धनिया और 3 मीडियम साइज़ की प्याज, सॉरी टमाटर। प्याज से हमें टमाटर ज़्यादा लेने हैं। अब मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है। अब इसमें 1 चम्मच तेल ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे, प्याज को थोड़ा नरम होने देंगे। अब प्याज हमारी अच्छे से नरम हो गई है, इसमें टमाटर ऐड करेंगे, काजू ऐड करेंगे, 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, सॉरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे आधा चम्मच, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे, 7 खड़े मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है 7 से 8 काली मिरी, 3 लौंग, 2 इंच के दालचीनी के टुकड़े, 3 हरी इलायची और मसाला इलायची के, 1 मसाला इलायची के बीज, ये भी ऐड कर देंगे। एक चम्मच बटर ऐड करेंगे और इसे कम आंच पर ढककर इसे अच्छे से नरम होने देंगे। तो चलिए हमारा यहाँ पर चिकन 10 से 15 मिनट इसे मैरिनेट के लिए हो गए हैं। अब इसमें हम आधा नींबू निचोड़ देंगे। मिक्स कर लेंगे। अब एक साइड में तवा रख दिया है। अब इसमें मैं मिनट के बाद इसे हम पलटी करेंगे। यहाँ पे हमारे टमाटर प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, ये देखिए। अब इसमें हम 1 मुट्ठी हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसे मिक्सी में अच्छा बारीक सा पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने चिकन पलटी कर दिया है, ये हमने मिक्सी में अच्छे से बारीक पीस लिया है। अब इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे। वापस इसे एक बार मिक्सी में घुमा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा चिकन फ्राई हो गया है। अब इसे हम जाली के ऊपर थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए जाली पे रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें 2 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। आधा बटर का 100 ग्राम का 50 ग्राम इसमें बटर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ सूखे मसाले पाउडर लिए हैं, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच तेज वाली मिर्च पाउडर,
ये भी ज़्यादा तेज़ नहीं है, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधे चम्मच को भी थोड़ा कम लिया है हल्दी पाउडर, अपने टेस्ट के अनुसार लीजिए नमक, यहाँ पे मैंने 1/4 इतना लिया है, और एक चम्मच धनिया पाउडर। हम मसाले ऐड कर देंगे इसमें, इसमें पिसा हुआ मसाला ऐड करेंगे, टमाटर, काजू, प्याज, हरा धनिया। अब इसे अच्छे से भून लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था ये भी इसमें ऐड कर देंगे। 3 से 4 चम्मच पानी ऐड करेंगे, मसाला पकने देंगे। यहाँ पर चिकन हमने रख दिया है एक साइड से पकने के लिए, एक एक सेकंड के लिए हम दोनों तरफ से कर लेंगे। दो चम्मच तेल ऐड करेंगे। अब मसाला हमारा अच्छे से पक रहा है, इसमें 2 चम्मच घर की मलाई ऐड करेंगे। एक चम्मच हमें फ्रेश क्रीम ऐड करना है। अब हरी मिर्च मैंने मोटी मोटी काट कर ली है, और 1 चम्मच कस्तूरी मेथी। अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करके इसे 3 से 4 मिनट तक ढककर पकने देंगे धीमी आंच पर। तो देखिए हमारा बटर चिकन रेडी हो गया है, अब हम डिश आउट करेंगे।